नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मिस्टर, जिसको हम थर्मल रेजिस्टर भी बोलते हैं, इसके बारे में। जो थर्मिस्टर होता है वो क्या काम करता है और ये कैसे बना होता है। जो थर्मिस्टर या थर्मल जो रेजिस्टर है, ये एक तरह का सेमी कंडक्टर होता है जो बिहेव करता है रेजिस्टर की तरह, जिसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट है, अगर हम टेम्परेचर कोफिशियंट की बात करें तो इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है, हाईली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है। तो ये कुछ जो थर्मिस्टर होते हैं या थर्मल रेजिस्टर हैं, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट के साथ भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट के साथ यूज़ किए जाते हैं वो बस एज ए फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, जो कि फ्यूज़ हो सकें तो वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट के साथ यूज़ किए जाते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट का क्या मतलब है? जैसे ही आप टेम्परेचर को इनक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। पॉजिटिव में क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट के अंदर क्या है? जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे आप, रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को मान लीजिए डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। जो थर्मिस्टर होता है वो किस तरह से बना होता है? ये बना होता है मेटलिक ऑक्साइड्स का। तो इसको जो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं। मेटलिक ऑक्साइड्स क्या हैं? अब ये जो मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं, ये किसकी होती हैं? ये आप मैग्नीज़ की यूज़ कर सकते हैं, ये आप निकल की यूज़ कर सकते हैं, ये आप कोबाल्ट की यूज़ कर सकते हैं, ये आप कॉपर की यूज़ कर सकते हैं, ये आयरन की यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा। आप काफ़ी जो मेटल्स हैं इस तरह के, उनके ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, इन ऑक्साइड्स को आप क्या करते हैं, क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको क्या दी जाती है? हीट दी जाती है, जो पाउडर होता है, और फिर उनको कंपैक्ट करके एक मास बना लिया जाता है। तो पाउडर फॉर्म को हीट दी जाती है और कंपैक्ट करके एक सिंगल मास बना लिया जाता है। इसको सिंटरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, कि पाउडर को हीट करना और एक सिंगल मास बना लेना, तो ये सिंटरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको सिंटर्ड भी बोल देते हैं। तो इस तरह से जो मेटल ऑक्साइड हैं उनके थ्रू जो है थर्मिस्टर बनाए जाते हैं, जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ मेनली जो हम यूज़ करते हैं। और इनके साथ फिर देखिए, ये अलग अलग तरह की आप इसको शेप दे सकते हैं, जैसे आप इसको डिस्क की शेप दे सकते हैं, रोड की शेप दे सकते हैं, बीड शेप में भी आता है, तो काफ़ी वाशर शेप में भी आता है, काफ़ी शेप्स के अंदर आप इसको बना सकते हैं। उसके साथ फिर ये जो टर्मिनल्स हैं ये लगाए जाते हैं, ये पहले भी लगाए जा सकते हैं जो सिंटरिंग प्रोसेस से, और बाद में बेक करके बाद में बाहर भी लगाया जा सकता है इनको। तो इस तरह से ये जो थर्मिस्टर हैं ये बनाए जाते हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ मेनली यूज़ किए जाते हैं। और अब इनका यूज़ क्या क्या है, तो यूज़ कहाँ कहाँ पे इनको करते हैं वो देख लेते हैं। जो हमारे डिजिटल थर्मामीटर हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, तो डिजिटल थर्मामीटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं यानी कि कार्स हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। ऑयल को मेज़र करने के लिए, तो मेज़र ऑयल करने के लिए, और जो कूलेंट का टेम्परेचर जो मेज़र करने के लिए, यानी कि ऑयल और जो कूलेंट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मेज़र ऑयल एंड कूलेंट टेम्परेचर, यानी कि ऑयल और जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ओवन्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, इसी तरह से जो हीटिंग और कूलिंग प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जहाँ पर भी हमें जो एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की ज़रूरत है, इस तरह की सर्किट के अंदर इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, कंपोनेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कार्स के अंदर जो ऑयल और कूलेंट का टेम्परेचर मापने के लिए, ओवन और रेफ्रिजरेटर के अंदर, या हीटिंग और कूलिंग जो प्रोटेक्शन सर्किट है उनके अंदर डिजिटल थर्मामीटर। तो काफ़ी तरह के यूज़ हैं थर्मिस्टर और थर्मल रजिस्टर के। तो ये था थर्मिस्टर और थर्मल रजिस्टर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।